भाई, मैं सबसे पहले आप ही से कि ये जो अभी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये पूरी तरह से योगी जी के हवाले कर दिया गया ऐसा लगता है, और योगी जी ने एक बड़ी टीम बनाई है, तो ये क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब इस इलेक्शन में अगर योगी जी ज्यादा सीटें जितवा लेते हैं तो उसका रिप्रकशन क्या है, योगी जी कम सीट जितवाते हैं तो उसमें मोदी जी अमित शाह कितने ताकतवर होंगे, जरा इस पे कुछ बताते। और ओवरऑल अब मोदी जी क्या वो डिमांड नहीं रह गई है जो डिमांड 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले थी? शरद भाई। हाँ बिल्कुल आनंद भाई, मुझे लगता है आपका असेसमेंट सही है। लेकिन ये जो हो रहा है यूपी में, आप वैसे देखिए तो क्या कभी भी इससे पहले ऐसी स्टेट जहां 400 सीटों की असेंबली हो उसमें से 273 रूलिंग डिस्पेंसेशन के पास हो ऑलरेडी, वहां 10 सीटें का बाई इलेक्शन इतना बड़ा प्रेस्टीज इशू बन जाए कि लोग पूरी जान झोंक दे? कभी आपको याद है कोई इतिहास में, भारत के किसी भी प्रदेश के इतिहास में? और ये केवल इसलिए किया जा रहा है, इसी से लोगों ने ये आंकलन लगाया है कि इससे जोड़ दिया गया है योगी आदित्यनाथ का भविष्य। वो जो कैंपेन चला रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी जी के खिलाफ, और एक ये हवा बनाई जा रही थी कि भाई लोकसभा में भी बिखरा उनके सर, ठीकरा उनके सर पे फोड़ा गया, और ये जिम्मेदारी कि भाई इनकी इस वजह से इनको यहां से शिफ्ट किया जाए, और बात ये चल रही थी कि इनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। और योगी केशवनाथ प्रसाद मौर्य के लोगों ने तो खुल के कहना शुरू कर दिया था कि बस उनकी शपथ होने जा रही है योगी जी की जगह। ये जो है ये जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक या किसी की भी प्रदेश में ये तो हैसियत नहीं कि योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दे, जब तक कि कहीं से किसी की ब्लेसिंग्स ना हो, किसी का वो ना हो, सरपरस्ती ना हो, तो दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के आकाओं की सरपरस्ती थी इसलिए चल रहा है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि इसी वजह से कि पहले लोकसभा वाला इसलिए फिट नहीं बैठ पाया क्योंकि तमाम वजह हो गई कि योगी जी को कोई अधिकारी नहीं था सीटें टिकट्स बांटने का, कोई ऐसा नहीं था कि कैंपेन में, अरे फोटो में फोटो थी मोदी जी की, तो वो ना करके उनको शायद ये एक इतने दिन का एक इंटरिम पीरियड दिया गया कि ठीक है अगर ये वाले चुनाव भी जिता के दिखा दें तो मान जाएंगे। दरअसल नाराजगी तो असली मोदी जी की थी, और मोदी जी की नाराजगी इस वजह से थी कि बनारस में प्रधानमंत्री को जितने 1.5 लाख वोटों से जो जीते, जो बिल्कुल हार की जैसे थी, शर्मनाक जीत जिसे कहते हैं, उसके लिए वो ठहराते हैं जिम्मेदार योगी को। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर को जो 40 दिन के लिए बने थे, चंद्रशेखर के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री इतने कम वोटों से कहीं से नहीं जीता, तो बड़ी बेइज्जती की बात थी। तो उसके लिए वो इस तरह का इशू वो बना लिया, तो हो गया साहब पूरा लोकसभा इन्होंने हरवा दिया। और आज भी ये 10 सीटों को प्रेस्टीज इशू इसीलिए बना दिया गया है जिससे अगर उसमें सीटें में बढ़त होती है समाजवादी पार्टी की, 5 ऑलरेडी है उनके पास, तो योगी जी की ये सर पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। और योगी जी अगर 2 सीटें बढ़ा लेते हैं भाजपा की जो 3 ही सीटें हैं, तो माना जाएगा कि मतलब आप कभी आपने सोचा है कि आप कह रहे थे ना कितनी बढ़त का स्कोप ही कहाँ है, कितनी बन जाएगी, 10 की 10 रन जीत लेंगे क्या? तो ऐसे में अब योगी जी उतर आए हैं अपने पे, और क्योंकि उनके लिए लास्ट सर्वाइवल का एक लास्ट तरीका है, और इसी वजह से उन्होंने पूरा, अब इसमें तो कोई पार्टी लीडर मना नहीं करेगा कि भाई सारे लोग जुटा दिए, पूरा पूरी आर्मी लगा दी, और दिल्ली वालों को भी कहने को हो गया कि साहब देखिए सारा जोर लगा दिया, हमने तो अपनी तरफ से कोई नहीं रोका है। योगी जी अगर इसमें सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल कितनी सीटों से होंगे, 2 या 3 सीटों से, अगर 3 सीटें जीत ली तो बहुत बड़ा काम कर दिया। बताइए इज इट नॉट रिडिकुलस कि 3 सीटों पे आप तय करें एक मुख्यमंत्री का भविष्य? लेकिन क्योंकि पूरी एक बड़ी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है ये, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और योगी जी जुट गए हैं अपने आप को प्रूव करने में, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से वो ओवरड्राइव पे है। ओवरड्राइव का मतलब है कि जिस तरीके से वो प्रूव करने बड़े एक्टिव हो गए हैं, मंत्रियों से मिलने लगे हैं, एमएलए से मिलने लगे हैं, जो कि वो पहले अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलते थे इजीली। एक्सेसिबिलिटी हो गई है, उनकी बढ़ गई है, और साथ ही साथ वो उनके कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो ये एस्टैब्लिश करने में लगे हैं कि उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कोई और देश में नहीं है, यानी कि वो मोदी जी के भी एक स्टेप आगे हैं इस मामले में। और उन्होंने इसी वजह से, आप सोचिए 3 साल पहले कानून बना,
उस कानून को उसमें और एडिशनल लॉज बना दिए कन्वर्जन वाले, मतलब अभी 3 साल में इतनी जरूरत पड़ गई कि और सख्ती की जरूरत है। कितने पकड़े गए आज तक लोग जरा बता दें, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं रही है उसको आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। कल मिर्जापुर के किसी गांव में जंगल में 2 चर्चेस डिमोलिश कर दिए गए, और ये कह करके कि साहब वो सिर्फ वन विभाग की जमीन पे वो चर्च बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कल बन गए थे, वो 20 साल पहले बने हुए थे। तो अब ये एस्टैब्लिश वो इसलिए किया गया कि बैलेंस आउट करने के लिए कि देखिए हम खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं, लेकिन ये बात एस्टैब्लिश करनी है कि हमसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कोई नहीं। अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर के जितने स्टेटमेंट्स मेरा ख्याल योगी जी ने जितनी बार दोहराया होगा उतना उतनी उनसे सख्त लफ्जों में मोदी भी नहीं बोले। ये हो रहा है यहाँ पे, और जैसे ही ये इलेक्शन होते हैं ये फैसला हो जाएगा कि योगी जी का क्या होना है और कौन बड़ा हिंदू हृदय सम्राट। शरद भाई एक छोटा सा प्रश्न और है, ये ओम प्रकाश राजभर जी की वो इस बार सीट भी नहीं मांग रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं इस इलेक्शन में, एकदम से उनको क्या हो गया? नहीं नहीं, अब ओम प्रकाश राजभर जी के हर एक का समय होता है राजनीति में, और अब उनकी अब 10 सीटों में कहां मांगेंगे, उनके पास क्या उनकी हैसियत क्या है। ये जरूर है, आप एक चीज में भूल गया कहना कि मायावती जो कि परहेज रखती हैं बाई इलेक्शन में लड़ने से, हालांकि बीच में एक आध लड़े उनकी पार्टी में, इस बार बड़े जोरों में कूद रही है मैदान में, वो भी मानने जा रहा है कि बीजेपी की सेवा करने के लिए, वरना जो उनका हशर हो चुका है उनकी पार्टी का और खुद किया उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके। तो ये सारा गेम इतना बड़ा दिखाने में बना दिया गया है, जैसे कि मतलब ये 10 इलेक्शन ये 10 सीटें जो हैं, जैसे लग रहा है कि यूपी का इलेक्शन हो रहा है, और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा अनयूजुअल बात है जिसको इतनी नहीं। तो आपने देखा है 10-10 बाई इलेक्शन होते हैं, कोई पूछता नाम नहीं लेता, और खास करके शरद भाई जब इस बाई इलेक्शन में 10 सीट बीजेपी जीते और 10 सीट इंडिया गठबंधन, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार के फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ये तब रेलेवेंट होता कि अगर ये हार गए जैसे हिमाचल में था, अगर सब जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि उनके लिए सरकार के लिए स्टेक होल्डर वही है जो उनके भक्ति करते हैं, यानी कि उनका जो भक्त मीडिया है गोदी मीडिया है, बाकियों के पास उम्मीद भी ना करिए कि उन्हें स्टेक होल्डर वो समझ करके उनसे शेयर करेंगे, उनके लिए तो उनको शेयर किया होगा, उन्होंने भी किया होगा तो बेचारे कह देंगे हमने किया हमसे किया।